हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। को बैंक और मोबाइल से लिंक करवाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इसकी अहमियत समझ आती है। मामला रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र के रालपुर स्थित स्वामी सूर्य प्रबोध परमहंस इंटर कॉलेज अंगपुरम का है, जहां एक बुजुर्ग भिखारी पहुंचा जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। स्कूल के संस्थापक स्वामी भास्कर स्वरूप महाराज ने बुजुर्ग को अपने पास बुलाया। बुजुर्ग ने इशारों में भूखे होने की बात बताई, जिसके बाद स्वामी जी ने उसे भोजन करवाया। इसके बाद स्वामी जी ने बुजुर्ग के बाल कटवाए और दाढ़ी बनवाई। जब उसके गंदे कपड़े धुलने को देने के लिए निकलवाए गए तो उसमें से आधार कार्ड, एक एफ डी और तिजोरी की चाबी भी मिली। उस एफ डी की कीमत देखकर सबके होश उड़ गए। एफ डी की कीमत 1,92,000 थी, जिसके बाद आधार कार्ड के आधार पर उसका पता लगवाया गया तो उसकी पहचान मुथैयानादर निवासी 240B नार्थ निरुतिधि यूरपू कुलीथी रुवनावली तमिलनाडु के रूप में हुई। आधार में दर्ज फोन नंबर से उसके परिजनों से संपर्क किया गया और उन्हें मुथैया के यहाँ होने की जानकारी दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन रायबरेली पहुँचे और उसे प्लेन से वापस ले गए। परिजनों ने बताया कि वे लोग जुलाई में ट्रेन से तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और मुथैया रास्ते में भटक गए थे। उन्हें आशंका थी कि वे कहीं जहर खुरानी के शिकार हो गए हैं। तब से परिवार वाले उनकी खोज कर रहे थे। परिजनों ने बुजुर्ग को परिवार से मिलवाने पर स्वामी जी का बहुत धन्यवाद किया।